अगर सिल्विया मेरे को अलाउ करे तो मैं उस पर टैटू कर सकता हूँ। हौसला रख, शेडिंग होती है तो बहुत फेल होती है। Claudia, I haven't pooped yet. I have to poop, यार। थोड़ा प्रेशर आ रहा है मेरे को यार अभी। Keep it inside. What? When is your appointment? In 20 minutes. Oh, 20 minutes? Yes. चलो चलो, for taxi चलो। You also want to do the tattoo? Yeah, but not today. Not today. Charity. Good morning, guys. Welcome back to another vlog. सुबह 7 बजे उठने का मतलब होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट काम। क्लाउडिया जी ने कुछ टैटू की अपॉइंटमेंट करी है आज और हमको भी घसीटते हुए लेके जा रही है ये, तो मैंने सोचा चलो भाई व्लॉग भी बना लेते हैं, देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ये आर्टिस्ट है, इवन वी वर प्लानिंग टू गेट अ टैटू डन फ्रॉम हर, भाई वेटिंग लिस्ट इतनी लंबी है उसकी, बट नहीं, इसने तो 6-7 महीने पहले बुकिंग कराई थी उससे। शी इज़ रियली गुड, तो हमने कहा चलो आपको दिखाते हैं साथ में कि टैटू कैसे बनता है यहाँ पे, मतलब क्या आर्ट वर्क है और क्या बनाना चाहती है, मुझे कुछ पता नहीं है, पहले वहाँ चलते हैं जगह पे और फिर देखते हैं। चलो भाई, व्हाट आर यू प्लानिंग टू गेट, बिकॉज़ आई डोंट इवन नो व्हाट आर यू विल सी। Oh, surprise, yeah? Mm-hmm. Okay. Which you will get your face. My face? Arre, pyari hai bahut. Are you planning to get like a big one or a small one at least? No, two small tattoos. Two small tattoos. Or okay. Maybe that will be Delhi se hai. Delhi se hai, Noida se hai. Claudia, do this one also. Delhi se the, Noida se hai. Perfect tattoo for you. I don't know what does mean. This means that I was from Delhi, now I'm from Noida. Uh-huh. So, any plans of doing that in the future? Mm-hmm. ओके, क्लाउडिया जी ने हमें प्रॉमिस कर दिया कि वो दिल्ली से थे नोएडा से टैटू करने वाली है। मैंने भी नहीं करा यार, करूं क्या, ये टैटू करवा दूं क्या भाई, अगर घर बदल दिया भाई नोएडा से कहीं और चले गए फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना यार। आज बहुत टाइम बाद मैं ये बड़ा वाला कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को तो पता भी नहीं है भाई कैसे यूज़ करते हैं, बट अच्छा ही लग रहा हूँगा भाई। कैमरा में तो जहर लग ही रहा है तुम्हारा भाई। ओहो, ये भारी भरकम कैमरा अब होते नहीं है भाई, उम्र भी हो गई है यार, क्या बोलूँ तुम्हें। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना। लोगों को पता ही होगा भाई मेरे दो टैटू हैं, एक यहाँ पे मैंने एक ट्राइबल कराया था जब मैं 18-19 साल का था, एंड वन दिस वन कार्पे डीएम ये मैंने आई थिंक लंदन में कराया था 2013 में शायद, आई थिंक 2013-12 और समथिंग लाइक दैट। और ये वाला मैंने भाई पता नहीं, मुझे याद भी नहीं, आई थिंक कोई माइक करके होता था टैटू वाला, चितरंजन पार्क में दिल्ली में, उस टाइम पे बहुत फेमस था, बट काफ़ी अनसेटिस्फाइड हूँ मैं इस टैटू से। काफ़ी अगर आप देखोगे ना इसका लाइन वाइन जो है ये एकदम टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी, उस टाइम ही हो गई थी एक्चुअली। तो मैंने एक्चुअली आई डोंट नो, मेरी भी गलती हो गई थी कि मैंने थोड़ा कस्टमाइज़ करा दिया इसको, और मैंने रेड आउटसाइड कराने का वो बोला था कि ना मुझे रेड चाहिए आउटसाइड में, तो वो शायद इंक ना पूरी इसकी स्प्रेड कर गई थी, बट बहुत ही मतलब 4-5 बार टचअप कराया था भाई उससे, बट आई डोंट थिंक वो बन पाया वैसा, दो इट्स आई मीन स्टिल हो रहा है, दूर से तो ठीक ही लगता है, बट हाँ क्या ही बोले भाई, हो गया तो हो गया। Why you don't want to do tattoo of me? I want to. Well, I think you don't have trust. You have trust issues. It seems like. I wanna tattoo your face on top of my face. So then I am not asking for that. I will do. Look, you do. I will be walking. People will see your face on silly, my face. You do. Silly, listen. You do Meru. I will do Silly. No, but why don't you like this face tattoo? I don't want face tattoo. I will put your face on my face. देख रहे हो आप, Sylvia doesn't want to do my tattoo. I will do it. No, you said no, you will not. I'll change my whole face for you. कह रही हो मैं अपने face पे तुम्हारा face बना दूँगी, तो करके दिखा फिर, चलो चलो. People will see me and they're so, like, so do it then. Have a twin brother? So do it then. एक्चुअली मत कर, थोड़ा मेरे लिए भी अजीब हो जाएगा, मैं अपने आप को ही देख रहा हूँ। एज यूजुअल हम लोग लेट हो गए, हमने क्लाउडियो का तू सीधा पहुँच जा क्योंकि अपॉइंटमेंट इज नाउ एंड वी कुडंट फाइंड पार्किंग। पहले यहाँ साला पार्किंग ही नहीं थी, अब हम आज लेट हो गए तब पार्किंग अवेलेबल है। व्हाट अ वेयर्डनेस मैन। चलो भैया, क्लाउडियो तो नर्वस हो गई, ठीक है, बिट नर्वस राइट। अरे अरे डरती क्यों है, इट्स ओनली नीडल गोइंग इनसाइड यार, not a big deal. अभी कराया हुआ है इसने, कि इसका first thing, this is not her first time. But अभी भी क्या डरपोक लोग हैं यार। Tak coś tego typu. I drugi też taki niewielki na ud. ये क्या कार्टून बना रही है? ये क्या है भाई, आज की जनरेशन ये डूडल पूडल पूडल बना रहे हैं भैया आजकल। कराने क्यों हैं? If she is nervous, why to do it? डर लग रहा है तब मत करना। My God, that looks very unique. What does that mean, this tattoo? What is the meaning? You're always connected with death. That you're always connected with death. Mm-hmm. और ये सिल्विया, ये इतनी डीप बात है यार, है?
यार मैं तो इसको छोटा बच्चा समझता था, ये तो बहुत ही डीप डीप बातें बोल रही है यार, ये तो बहुत ही। मेरा तो टैटू मैंने बस ऐसे ही करा दिया था कि माँ बाप बोलेंगे, मतलब रिबेल एटीट्यूड वाला था मेरा ये वाला टैटू, कोई मीनिंग वीनिंग नहीं था भाई उसके बिहाइंड। ये तो बहुत डीप मीनिंग वाली चीज़ है। अभी ये घर वर का भी कुछ मीनिंग है जो ये छोटा छोटा इसने डूडल्स ही कहते होंगे इसको, तो वो बना रही है। तो अभी पूछूंगा मैं इससे इसका क्या मीनिंग, अभी बता नहीं रही, थोड़ा सा ना शाय हो रही है, तो पूछेंगे इससे क्या मतलब है इसका। तो लुक व्हाट टाइप ऑफ डिजाइन शी डज गाइस, 3D वाले टैटूज हैं जैसे वो निको करता है। सिल्वर तेरा टैटू का क्या मतलब है? मेनी पीपल आस्क दिस, व्हाट इज द मीनिंग? सेरोटोनिन, हार्मोन ऑफ हैप्पीनेस। मूव टू बॉसी, वी डोंट ट्रेड सॉफ्टली, बट नॉट फ्लॉसी, द स्ट्रीट्स डिडन्ट टेल मी, मूव टू बॉसी, वी डोंट ट्रेड सॉफ्टली, बट ना फ्लॉसी। इतना हार्ड तो नहीं होता वैसे टैटू करना, मैं भी कर सकता हूँ। आई थिंक आई कैन डू इट ऑन यू नो, आई थिंक यू कैन। अगर सिल्वी मेरे को अलाउ करे तो मैं उस पर टैटू कर सकता हूँ। कमेंट करो भाई मैं करूँ ऐसा, इफ़ इट विल बी अलाउड। आई थिंक अलाउड नहीं होगा बट पता नहीं कि ट्राई कर सकते हैं। आई थिंक टैटूइंग इज यू नो फॉर पीपल, जो जैसे हमारे स्कूल में देयर वर इज फ्रेंच बेंचर्स हुज हैंड राइटिंग वॉज सो गुड, सीधी लाइन में। हमारे तो भैया डॉक्टर वाली हैंड राइटिंग है, सिल्विया की भी बहुत खराब हैंड राइटिंग है। तो इट्स ऑल अबाउट द नर्व्स ना, इतनी सीधी लाइन खींचना और भाई परमानेंट, मतलब मैं तो हार्ट फेल से ही मर जाऊँगा समझो। मतलब गूदा चाहिए भाई इसके लिए भी एक्चुअली। इमेजिन है एक लाइन डंडी इधर उधर हो गई, खेल खत्म, ऑलमोस्ट डन। हौसला रख, नथिंग विल हैपन टू यू, ओनली वन मोर आवर। ओह ये भी है अभी तो। ये टाइप का जो आर्ट वर्क होता है ना, ये लगता तो आसान है बट इसमें आपकी जो लाइन वर्क है ना वो सीधा दिखता है, क्योंकि आप बड़े बड़े अगर वो करते हो उसमें शायद आप देख नहीं पाते इतनी बारीकी से। ये छोटे वाले एक्चुअली मुझे लगता है ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि लाइन सीधी दिखती है कि भाई तुमने सीधी खींची है कि नहीं खींची है, तो उससे दिख रहा है भाई वो क्या, मतलब एकदम सिमेट्री है भैया, सारा वही है भाई, स्टेबल हैंड समझ रहे हो। शेडिंग होती है तो बहुत पेड़ होती है। अंदर तक पूरा शेडिंग किया हुआ है ना, शेड वर्क इज पूरा, वो उसका ट्रंक का वो लाइंस भी दिख रहा है, बहुत सही है। अरे वाह बहुत ही क्यूट लग रहा है। सो दिस इज अ सील इन साइड वाटर है क्लॉडिया, इस वाला पानी के अंदर है सील। ओके ये ऑप्शन देख लो भैया शीशे पे, ठीक है। तो ये दो का प्राइस 300 ज्लोटे पड़ा, आई थिंक 300 ज्लोटे इज़ हाउ मच, 60 pounds, 6000 रुपये के करीब, विच इज़ आई थिंक वेरी गुड कंसिडरिंग इसका काम बहुत अच्छा है। सैटिस्फाइड कस्टमर, यस। सो कैन यू टेल नाउ द ऑडियंस व्हाट इज़ दिस हाउस, हाउस का क्या मीनिंग है, व्हाट इज़ बिहाइंड इट? ओके आई कैन, हाउस इज मीनिंग लाइक वी सी हाउस आउटसाइड इज ब्यूटीफुल बट देयर आर स्टोरीज इनसाइड, या वी यू डोंट नो हाउ So it's kind of like this don't judge book by its cover. You know that you see beautiful or bad looking book and this is what you assume about the person. Yeah. That's what is outside is inside as well. Yeah, that's true. Don't judge people by the outside appearance. What deep meaning hai yaar? Mere tattoo to bahut hi gober lag rahe hain ye deep meaning wale tattoo ke samne. तुम्हारा भाई भी कराएगा एक अच्छा सा यार, मैंने, मेरा बड़ा मन है, मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कराने का बट यू नो बिजी भी बहुत थे हम लोग। ये तो मेरा था, यू आर ईटिंग माइन, ये मेरा ब्रेकफास्ट था, इट्स नॉट योर्स, हु सेड टू गिव इट टू हर? ये झूठ बोला तूने, अब तो खा ही रही है वो तो, अब क्या उसको बोलूं मैं? अरे खा ले चल यार, तू भी याद रखी बेचारी, शी हैज गॉन थ्रू अ लॉट टुडे, एक घंटा नीडल अपने अंदर डालना। चलो भाई चलो फिर एंड करते हैं, शैल वी एंड द व्लॉग? ट्राई कर सकता हूँ मैं अगर तू चाहती है तो। स्मॉल बाइट, यू नो ट्राई नॉट, बट यू सेड यू वर नॉट हंग्री एट ऑल, अब क्या हो गया तेरे को? वांट टू से समथिंग बिफोर यू गो, एनी यू नो डीप मैसेज, बिकॉज़ यू आर डीप मीनिंग टैटूज, गिव सम डीप मैसेज। So be safe and make sure that everyone around you is safe. Be safe and make sure everyone around is safe. वाह यार वाह, एक दिन में भाई मतलब हाँ be safe also tattoo कराने के मामले में भी choose a person you know जिसमें जैसे hygiene पे इतना emphasize किया था ना इन लोगों ने,
आई वाज सीइंग कि हर चीज़ को रैप, आई थिंक हर जगह ही होता होगा, बट हाँ डबल चेक करके करवाना भाई ऐसी चीज़ें। चलो भाई ऑन दैट नोट आई होप कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो व्हाट दे हैव टू डू क्लाउडिया, लाइक सब्सक्राइब शेयर ऑल्सो मे बी तो लाइक कर दो, कमेंट भी कर, कमेंट भी कर दो भैया अगर पसंद आ रहा है तो चलो भाई ख्याल रखना वाला, मिलते हैं नए ब्लॉग पे। साथ फ्रॉम मेरू क्लाउडिया एंड And silly. Bye. He said, tell me, we're too bossy, we don't tread softly, but not flossy,